तो गाइज ये है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1। तो यहां से अभी हम जाएंगे MSI के सर्विस सेंटर जो कि शास्त्री नगर में है इंदरलोक से आगे। ये अभी हम आ गए हैं द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ऊपर। तो यहां से चलती है दो ट्रेन, एक चलती है नोएडा के लिए, एक चलती है वैशाली के लिए। तो बेसिकली हमें जाना है इंदरलोक। तो इंदरलोक कोई भी नहीं आती, मतलब ना वैशाली वाली आती है और ना ही वो नोएडा वाली जाती है। तो उसके लिए ना हमें मोतीनगर उतर जाना है हमें। तो मोतीनगर से हम उतर के नीचे से करेंगे ऑटो और ऑटो में बैठ के हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम दूसरी जगह से चेंज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, एक एक स्टेशन के बाद उतरना पड़ता है। ये आगे हमारी मेट्रो, ठीक है, इसमें हम बैठ जाएंगे। अब हम उतरेंगे मोतीनगर। तो फिर ये पूरी भरी हुई होती है, अभी देखो पूरी खाली पड़ी है। सबसे बेस्ट तरीका है कहीं पे भी जाने का दिल्ली में मेट्रो, ना कोई ट्रैफिक ना धूल ने मिट्टी, ठीक है। तो अभी ये 20 मिनट लगेंगे हमें मोतीनगर पहुंचने में, फिर वहां से हम उतर के जाएंगे नीचे। जब तक आप सफर का आनंद लो, ये देखो मस्त व्यू आता है बड़े बड़े शीशों में से। और ये हमारे जीतू भाई, ज्योति भाई, इसका मदरबोर्ड है वो हुक गया इसका मदरबोर्ड और इसकी स्ट्रीम। तो अभी हम यहाँ उतर गए मोतीनगर पे, ठीक है, ये आ गए मोतीनगर और यहाँ से हम जाएंगे नीचे। तो ये हम आ गए नीचे उतर के और यहाँ पे ये देखो सब ऑटो ऑटो खड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बस भी जाती होगी लेकिन बस का नंबर मुझे पता नहीं, तो हम करेंगे ऑटो। तो ऑटो वाला मेरे ख्याल यहाँ से लेगा 80 रुपीज के आसपास लेगा, ठीक है। तो हमने जाना है शास्त्री नगर पिलर नंबर 172 के पास। गाइस अभी हम आ गए हैं सर्विस सेंटर। एक्चुअली यहाँ पर और भी बहुत सारे, इन्होंने एक ही उसके अंदर ना बहुत सारे और भी प्रोडक्ट की सर्विस सेंटर दे रखे हैं सोनी का। वैसे एक्चुअली ये सोनी का है और इसलिए, लेकिन ये MSI वगैरह भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सामने आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये देखो ये लिखा ना बाहर, ये देखो ये है सोनी। ये एक्चुअल सोनी का है लेकिन सोनी का नहीं है, सोनी का भी है मतलब यहाँ पे MSI भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर अपने कागज वागज दिखा के वो लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो ये है अंदर से सर्विस सेंटर, ये यहाँ से आगे अंदर चले जाते हैं। तो मैंने ये कितनी तारीख को दिया, 25 तारीख को दिया था, मैंने 25 तारीख को दिया था। तो आज देख लो कितनी है, 6 तारीख है, तो करीबन 10-11 दिन लग गए। तो इन अभी लेकर आएंगे अंदर से, जब तक हम यहाँ पर, ये वेटिंग एरिया है इनका, अच्छा है, ठीक है। तो ये विदिन 5 मिनट हमको यहाँ से मिल गया है, तो कोई टेंशन नहीं हुई कोई बहुत, ठीक है। तो ये हमारा था सर्विस सेंटर का हमारा रिव्यू कि कहाँ पर है, कैसे आना है। तो ये एक मिनट मैं आपको और दिखा देता हूँ, आगे ना यहाँ पर वो है मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से भी आ सकते हो। रोहिणी से अगर कोई रोहिणी से आ रहा है तो रोहिणी से भी तो उसको तो यहाँ से सीधा ही पड़ेगा, तो यहाँ उतर जाना शास्त्री पार्क पे। और शास्त्री पार्क पे आके थोड़ा सा ये वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से और सीधा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई आ रहा है उत्तम नगर साइड से तो उसको जो है बदलनी पड़ेगी, तो जैसे कि हम यहाँ आए हैं मोतीनगर से यहाँ ऑटो करके। तो ठीक है जी, बाय।